हेलो स्टूडेंट, NDA-1 का पेपर हो गया है, मैथ्स का पेपर, GAT का पेपर, मैथ्स का पेपर मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप लोग 70-80 कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर टेक्निक फॉलो की, और एक्चुअल में आप कर पाए, बहुत ही खुशी की बात है। आपने लोगों ने मुझे मैसेज भेजे, कमेंट्स में लिखा हुआ है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट मैं हमेशा जब से ये NDA स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगता था कि NDA का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप अगर एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और टेक्निक के साथ पेपर सॉल्व करो तो 70-80 के आसपास अटेम्प्ट हो सकते थे। और इस बार ऐसे कई सारे बच्चों के हुए जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया था, उनके भी, क्लासरूम कोर्स के भी बच्चों के, ये बहुत खुशी की बात है। अब बात करते हैं कि आपने, मैंने आपको बोला था जो आपको आंसर प्रोवाइड किए उसमें हो सकता है कि कहीं कोई आंसर देने में मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो जो आपने मुझे भेजे उनमें केवल 2 क्वेश्चन के आंसर्स में चेंजेस हैं और बाकी सारे जो आंसर्स दिए हैं बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट आंसर हैं। GAT के भी आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और इस सेशन में मैं आपके साथ कट ऑफ की बात भी करूंगा कि आगे किस ढंग से आप मूव करें, अगर आपका स्कोर किस रेंज में है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैं करेक्शन की बात करूं तो आपने एक जो क्वेश्चन बोला था, सेट डी की बात करूं क्योंकि मेरे पास सेट डी था, पर उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि एक रिलेशन का क्वेश्चन था, उसमें डी होने के बाद ही ए बोल गया था मैं, तो एक तो क्वेश्चन था जिसमें कि रिलेशन का क्वेश्चन था जिसका कि करेक्ट आंसर है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें करेक्शंस में तो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, 2 का आंसर डी है और सेट बी में यही क्वेश्चन, सेट बी में जब आते हैं तो यही क्वेश्चन हो जाता है 47 जिसका आंसर डी है। जब हम सेट सी की बात करते हैं तो इसका, सेट सी की अगर हम बात करें तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सेट सी का वो होगा ए, और जब हम सेट डी की बात करते हैं तो सेट डी का ये 32 क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा सी, और ये सेट सी में 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने बोला था जो 79 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप इसको बाकी पेपर के सेट में देख लीजिएगा, बाकी इसमें मैं बता देता हूँ कि 79 जो क्वेश्चन था वो था द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इस 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस 10, डी का 79 क्वेश्चन था ये, बाकी सेट में क्या है वो जरूर देख लीजिएगा, सेट डी का 79 था। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 4 देन व्हाट विल बी द न्यू मीन, तो न्यू मीन है 11.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो चेंज होगा वह है 2.5, ये इसका करेक्ट आंसर था। तो ये बी ए सी का कौन सा सेट है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा सारे क्वेश्चन सही थे, इसके अलावा 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक हाइडन डिस्टेंस का क्वेश्चन था उसका आंसर ए होता अगर बीच में प्लस होता, जो डी का 115 है पर उसमें प्लस नहीं था, और एक ऐसे ही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, उसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 0 पर नहीं है इसलिए उन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है। तो जो आपको आंसर दिए गए ए बी सी 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 डेट के वो सारे ही एक्यूरेट हैं, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है तो मैं फिर आपसे एक बात बोलूँगा, नंबर 1 कि उस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करें, आप भी क्रॉस चेक करें और आप मैसेज करें, मैं बिल्कुल चेंज करूंगा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर आपको जो आंसर्स दिए गए हैं काफ़ी एक्यूरेट आंसर्स हैं, हाईएस्ट एक्यूरेट आंसर्स हैं और वो पूरे सॉल्यूशन के साथ दिए हैं, इनके सॉल्यूशन एक बार फिर देखिए। और जब बच्चों ने मुझे मैसेज किए, सबसे अच्छी बात है कि कई बच्चों ने बताया कि सर जो टेक्निक्स आपने बताई थी उस टेक्निक्स को फॉलो किया, मैंने आपसे बोला था आप सिंपल टू टफ जाएंगे, पहले आप ढूंढ ढूंढ के लाओ सिंपल क्वेश्चन तो आप 70-80 तक रीच कर सकते हैं, पर पेपर, क्योंकि सिंपल पेपर में मिस्टेक्स भी बहुत होती है, तो जब मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग जगह पे मैसेज हैं, कई लोगों के रॉन्ग भी बहुत हुए होंगे, तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। नंबर 1, मैथ्स में अगर बात करें कि किस रेंज में आप 100% सेव हैं, किस रेंज में आप डाउटफुल हैं और किस रेंज में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं बात करूं, अगर आप बिलो 80 हैं, मैथ्स की बात कर रहा हूं, देखिए ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, बाकी प्लस माइनस हर जगह हो सकता है, फिर भी मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि अगर बिलो 80 है तो चांसेस बहुत कम है, 85 टू अगर
100 के बीच हैं तो आपके चांसेस मोर देन 60% है कि आप कट ऑफ क्रॉस कर लो. 100 से लेके 110 के बीच में हैं तो मान के चलिए कि आप 75% या बल्कि 80% तक चांसेस हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर चुके होंगे. एंड 120 प्लस पर मैं बोल सकता हूँ कि श्योरली 99% चांसेस है कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया होगा. 130 पे आप 100% सेफ हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. जो मैंने आपको बोला था वही बात यहाँ पर बोलूँगा कि अगर आपने 130 के आसपास स्कोर किया है तो आप 100% सेफ हैं. अब इससे बिलो स्कोर है तो इसके रेंज भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि अगर ओवरऑल पेपर्स को हम देखें निकालें तो इस पेपर्स में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने मुझे जो मैसेज में भी लिखा हुआ है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, वो इसलिए क्योंकि आपको आपने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती थी, चाहे वो डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो जीपी का एपी का क्वेश्चन हो, वो कॉन्जुगेटिव टर्म नहीं थे. आप पहले उनको एनालाइज करिए तो आप समझ पाएंगे. तो ये पॉसिबिलिटी है. तो इसका मतलब ये है कि अगर इन ऑल अगर मैं बोलूँ कि आप 90 से 110 के बीच हैं तो आप मान के चलिए कि 75% चांस हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, कोई डाउट नहीं. पर क्योंकि पेपर देखिए क्या होता है, पूरे इंडिया के बच्चे दे रहे होते हैं, ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ओवरऑल एनालिसिस निकल के आता है उससे, तो ये एक चांसेस हैं. अच्छा, जीएटी की अगर बात करें तो इस बार जीएस का लेवल काफ़ी हाई था, इंग्लिश ईजी था इनफैक्ट, पर जीएस का लेवल हाई था. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 220 से 250 के बीच में हैं तो 75% चांस हैं, और 250 प्लस हैं तो मान के चलिए कि आप 100% मान के चलिए कि आप थ्रो हो सकते हैं. ये ऐसे 100 ना बोलूँ ज़्यादा अच्छा होगा, 99% बोल सकता हूँ कि आप थ्रो हैं, यानी ये एक निकल के आता है. तो अगर हम देखें तो 220 और लिस्ट साइड पे जाएं तो 220 और यहाँ पर जाएं तो 100 320 330 के आसपास कट ऑफ अगर आपका दोनों मिला के हो रहा है तो क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब इससे बिलो स्कोर है तो भी और इससे अबव स्कोर है तो भी क्या करना चाहिए. नंबर वन कि अगर आप 120 और 250 के आसपास हैं तो आपको SSB की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए. उसके लिए क्या करना है, नंबर वन आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो भोपाल इम्पिटस गुरुकुल आके SSB की ट्रेनिंग कर सकते हैं या आप सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हैं. वैसे मेरा सजेशन ये होता है कि SSB की ट्रेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ ट्रेनिंग, आपको करनी पड़ेगी पहले, और क्या करना है उसमें वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. और जब एक बार रिटर्न एग्जाम निकल जाता है तो उसके बाद इतना टाइम रहता है कि आपको कुछ इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो कर सकते हैं, पर आपकी अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाना चाहिए वो है एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत. हो सके तो आप कुछ आर्मी सोल्जर्स के साथ या जहाँ आर्मी कैंप्स होते हैं वहाँ जाइए, उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए, थोड़ा सा जीवन को देखिए कि क्या आर्मी वाले लोग होते हैं, उनकी क्या क्या सोच होती है, इमेजिनेशन पावर्स बढ़ाइए. ऐसे कुछ जो फिजिकली मतलब जो बेसिकली आप खुद से डेवलप कर सकते हैं कई सारी चीज़ें वो करना चाहिए. अब अगर आपका बिलो 80 स्कोर है और यहाँ बिलो 200 स्कोर है तो मैं बोलूँगा कि अगेन नवंबर 17 के लिए इमीडिएटली एक्शन में आ जाइए. इनफैक्ट कल के पेपर के बाद कुछ लोग जो नए लोग जिन्होंने इस साल पहली बार 12th का एग्जाम दिया था इमीडिएटली उन्होंने बात भी की मुझसे. कल मैं कई बच्चों से बात भी नहीं कर पाया पेपर सॉल्यूशन की वजह से, तो आज बात हुई, वो इमीडिएटली ज्वाइन भी करने वाले हैं. तो हो सकता है आप में से जिन्होंने 12th दिया उनका फर्स्ट टाइम था, तो ऐसे में आपने उस ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी इसलिए आपके गलत ज़्यादा हो गए होंगे. तो अब आपके पास एक अच्छा टाइम है. हर साल हम देखें तो सितंबर में एग्जाम होता था, इस बार नवंबर में एग्जाम है, तो एक अच्छा टाइम पीरियड मिल रहा है, तो इस टाइम पीरियड का फायदा उठाए. इवन जो क्लियर कर रहे हैं उनको भी अगर वो एलिजिबल हैं तो NDA नवंबर देना है, क्योंकि NDA कैसा एग्जाम है अपने आप में आप सोच के देखिए कि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग अपेयर होते हैं और 360 के आसपास बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, यानी आप खुद सोच सकते हैं कि रेशो के टर्म में देखें तो लगभग 800-900 पे एक स्टूडेंट. तो ऐसे में हमें अपने आप को हर तरह से तैयार करना, और इनफैक्ट आर्मी में वही लोग जाते हैं जो हर तरह से हर सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं. मैंने लास्ट ऑल द बेस्ट मैसेज में ही बोला था कि आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से तैयार होना पड़ेगा, तो आपको इमीडिएटली एक्शन तो लेना ही है. जो मिस्टेक्स अभी हुई हैं उन मिस्टेक्स को समझ के एनालाइज करके आगे ना हो इस बात पे वर्क करना है. क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें इम्प्रूव करना है ये बात आपको वर्क करना है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बार अच्छी बात यह कि करीब करीब 7 महीने मिल रहा है, इसका बेनिफिट लीजिए. इनफैक्ट हम लोग जो न्यू बैच 20 मई से स्टार्ट करने वाले थे
वो अभी भी 20 मई को ही होगा, बट उसके पहले भी एक बैच 29 अप्रैल को स्टार्ट कर रहा है। रीजन क्योंकि कल के पेपर के बाद जिन्होंने 12th के साथ पेपर दिया था फर्स्ट टाइम, या कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी की थी और पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो वो क्लासरूम कोर्स या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको हमने एक डेट और रखी है 29 अप्रैल। या तो आप 29 अप्रैल को आ जाएं या 20th मई तक आते हैं। और इसमें क्लासरूम कोर्स में जो सिस्टम है हमारा, वो भी मैं बता दूं आपको पहले अच्छे से, कि जब आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मॉर्निंग 8:30 to 1:00 तक रेगुलर क्लास होती है एवरी डे मंडे टू सैटरडे, और 3 days ऐसे भी होते हैं जब 2 to 4 एक्स्ट्रा भी क्लास होती है। लगभग 5 to 6 आवर की क्लास रेगुलर होती है और एवरी संडे टेस्ट होते हैं। टारगेट इस बार ये होगा कि 15th अक्टूबर तक हम सिलेबस ख़त्म करें और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक टेस्ट सीरीज़ हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना अच्छा। आप में से कई लोग ये पूछते हैं कि सर कितने समय का कोर्स है। मैं बता दूं कि हम लोगों का एक बिल्कुल सिस्टम क्लियर है कि हमें 1 या 2 महीने में फ्री नहीं करना है। अगर आप भोपाल क्लासरूम कोर्स के लिए आएंगे तो जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से पेपर देना, इवन आपको एग्जाम भी भोपाल में ही देना होगा, जब ही उसका रिजल्ट मिल सकता है। और अभी आप देखेंगे कि इस बार जो रिजल्ट आएगा, मैं अभी से श्योर हूँ कि लास्ट टाइम ऑनलाइन में 120 प्लस और क्लासरूम में आउट ऑफ 12 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, रिकॉर्ड है। इस बार इससे भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बस 1.5 से 2 months वेट कर लीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट 45 से 60 days के बीच में आ जाएगा, तो आपके सामने खुद ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पर अभी उसमें टाइम है, वो मुझे अभी से पता है कि रिजल्ट कैसा होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप भी अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि इम्पिटस गुरुकुल ज्वाइन करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा हर केस में आएगा। रिजल्ट अच्छा जब आएगा जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। हम लोग आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, आपको जहाँ अच्छा गाइडेंस मिलता है वहाँ पढ़ो, बट इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई करो, बहुत ही प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो। एक टॉपिक को स्टार्ट करके एंड तक जाओ, केवल ट्रिक्स पे नहीं, कंसेप्ट पे, लॉजिक पे, ट्रिक्स पे, सब पे कमांड करोगे तो फायदा होगा। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोल लूँ, मैं अपने मैसेज में हमेशा बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये जहाँ भी पढ़ रहे हैं फुल फेथ के साथ पढ़ें, और ये बिलीव होना चाहिए आपको कि जहाँ पढ़ रहा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। नहीं मिल रहा आप मूव कर जाएं, पर कम से कम एक डिसीजन ले लें और एक डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हम लोग अपना पहला बैच जो है अब जो स्टार्ट करेंगे वो 29 अप्रैल को और उसके बाद 20 मई को। इसके लिए आप impetusgurukul.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या ऑफिस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का नाम का भी और ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ पर बात करके बात पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भोपाल आएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, सेम डे आपका हॉस्टल अरेंज हो जाता है। ऑनलाइन कोर्स में आपको मैथ्स और जीएस के वीडियोज़ मिलेंगे जिसको आप घर पे देख सकते हैं, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा मैथ्स कवर किया गया है उसमें। इसके अलावा जो टेस्ट भोपाल में संडे को होंगे वो टेस्ट आपको भी दिए जाएंगे, जो टॉपिक भोपाल में चल रहे होंगे वो आपको एवरी वीक बताए जाएंगे और उसी ऑर्डर में आप पढ़ाई करेंगे। पर कम से कम एक डिसीजन जरूर ले लें, और ये मैंने आपको एक जनरल फीडबैक दिया है, लगभग इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाना चाहिए। करेक्शन जो पॉसिबल थे वो बता दिए, और भी कोई करेक्शन अगर आपको अभी भी लगते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा। और एक बात फिर से बोलूंगा कि अगर आप सही में डिफेंस में जाना चाहते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से, बहुत ही ऑनेस्टली मेहनत करिए, और जब तक मेहनत करिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब तक ये थॉट आपके अंदर नहीं होगा NDA या CDS क्लियर करना मुश्किल होता है। इसलिए इस भरोसे के साथ आप अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपका स्कोर जो मैंने बताया इसको क्रॉस कर रहा है तो SSB के साथ NDA की फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, पर खाली ना बैठें, इमीडिएटली एक्शन लेके मूव करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।